तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो सोचो आज थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपने लिए और आपके लिए और एक वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं आया हूँ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सीरीन सराउंडिंग्स के अंदर। आसपास छोटे छोटे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स है और नीचे की तरफ भी बहुत सारे वाटरफॉल्स है। तो आज सोचा इस तरफ आते और वीडियो बनाते हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया है, जो है एम्पैथ्स के ऊपर। और हमने पहले डिस्कस किया है कि एम्पैथ इस तरह के लोग होते हैं जिनको अलोन टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो लोगों के साथ मिंगल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एम्पैथ जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। नहीं, एम्पैथ इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। एम्पैथ को मी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिचार्ज होने के लिए। वो अकेले जितना रिचार्ज होते इतना लोगों के साथ नहीं हो सकते। अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है या उन्हें किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मे बी उस टाइम पे अगर उन्हें रिचार्ज करना है तो आसपास के लोग अगर उनको बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा है कि वो अकेले कहीं पर जाकर सो जाए या जो उन्हें पसंद है वो करे, तो वो ज़्यादा रिचार्ज हो सकते हैं। अब एम्पैथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग उन्हें हाईली सेंसिटिव पर्सनालिटी का भी टैग दे देते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बस खाली सेंसिटिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी होते हैं क्योंकि दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है वो समझ सकते हैं, दूसरे पर्सन के इंटेंशन को समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि जो फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं वो उनकी खुद की भी नहीं है, वो कहीं से डिराइव्ड फीलिंग्स है या बोरोड फीलिंग्स है, इस तरह की भी उन्हें थॉट प्रोसेस लग सकता है। अब एम्पैथ के साथ जो लोग रहते हैं, एक पूरी की पूरी बुक लिखी गई है डॉक्टर जूडिथ ऑरलॉफ के थ्रू जिसका नाम है एम्पैथ सर्वाइवल गाइड। बहुत कम लोगों ने वो बुक को पढ़ा है और ख़ासकर एम्पैथ अगर वो बुक को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो किस तरह के लोग हैं, या उन्हें ये तो नहीं लगता कि हम मिसफिट है इस दुनिया के अंदर, हमें हमारी तरह कोई दूसरा पर्सन नहीं है, या हम एकदम ही अलग है, या मे बी हमें अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली टैक्सिंग हो सकता है क्योंकि उन्हें इस तरह का बिहेवियर है अपने पार्टनर का, जो पर्सन उनके साथ रह रहा है या वो शायद जो एम्पैथ है, तो उन्हें वो ऑड बिहेवियर लग सकता है। उसे लगता है कि यार ऐसा बिहेवियर तो नहीं देखा है, इस तरह से पर्सन को अलोन टाइम या साइलेंट टाइम या साइलेंस या शोर इतना ज़्यादा, उनके ईयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस या फाइट्स या इस तरह का डिस्ट्रेस पैदा हो सकता है जहाँ पे कि सामने वाला पर्सन उन्हें समझ ना पाए और वो बहुत ट्राई करते हैं दूसरे पर्सन को समझाने की, या कभी कभी उन्हें गिल्ट फील होता है कि वो इस तरह से क्यों है, वो दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं है, वो लोगों को प्लीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके हिसाब से क्यों नहीं चल पा रहे हैं, या उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की थॉट्स भी एम्पैथ्स के अंदर आती है। तो यूजली बहुत बार एम्पैथ गिल्ट में होते हैं और डिलेमा में होते हैं कि अपने लिए जिए कि दूसरों के लिए जिए, और अपने लिए जीते हैं तो नोइंगली अननोइंगली दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं, दूसरे लोगों को लगता है कि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, दूसरों को लगता है कि उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के डिलेमा में एम्पैथ बहुत ज़्यादा रहते हैं जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब एम्पैथ्स के साथ जो लोग रहते हैं उन्हें समझाना, उन्हें पूरी साइकोलॉजी सिखाने के बराबर है, पूरी साइकोलॉजी सिखाई नहीं जा सकती, पर इतना समझा जा सकता है कि ऐसे लोग होते हैं। पहले तो मानना ज़रूरी है कि हाँ एम्पैथ नाम की चीज़ होती है, एम्पैथ कैटेगरी के लोग होते हैं और वो थोड़े से अलग होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद है या रविंद्रनाथ टैगोर जी है, वो अलोन टाइम के अंदर अपने लेख लिखते थे, क्रिएटिव चीज़ें करते थे, कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल तब करते थे जब उन्हें कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की ज़रूरत होती थी, पर उनका जो अलोन टाइम है वही उनको रिचार्ज करता था। जो एम्पैथ्स के साथ रहते हैं उन्हें समझाना और उन्हें ये समझ पाना कि जो एम्पैथ मांग रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मांग रहे हैं, वो उनकी नीड है, सर्वाइवल की नीड है। एम्पैथ्स लोग जो अगर अपनी साइलेंस मांग रहे हैं या शांति मांग रहे हैं या अकेलापन मांग रहे हैं, वो उनकी सर्वाइवल की नीड है, ना कि उनके लिए कोई लग्जरी है। इनफैक्ट वो मैक्सिमम लग्जरीज के बिना जी लेंगे, पर वो शायद ये जो अलोन टाइम है या उनका जो मी टाइम है या उनका रिचार्ज का टाइम है या उनकी साइलेंस है या उनकी जो क्वालिटी स्लीप है, उसके बिना उनके लिए जीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी एक एम्पैथ है तो जितना हो सके अपने लिए टाइम निकालिए, मी टाइम निकालिए, नेचर में जाइए,
जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को रिचार्ज करिए, और आपके साथ कोई पर्सन अगर है जो आपको नहीं समझ पा रहा है तो उसे बुक दीजिए, जूडिथ ऑर्लव की बहुत बड़ी बुक है, पर शायद वो बुक पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होगा आपके पार्टनर के लिए जो आपके साथ है, क्योंकि वो आपको इन एंड आउट समझ पाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर शॉक हो जाए, अरे यार ये किससे शादी कर ली, ये एम्पैथ की बुक तो पहले पढ़नी चाहिए थी शादी करने से पहले कि मेरा पार्टनर ऐसा है। क्योंकि नॉर्मली एक पार्टनर की जो डेफिनेशन है जो हमने मूवीज से देखी है या अपने पेरेंट्स में देखी है वो है कि बहुत अवेलेबल होना, पार्टनर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं या जब हमें चाहिए वो हमारे लिए अवेलेबल है, जैसे कि एक चिराग में से चिराग को रगड़ा जीनी प्रकट हो गया आपके लिए। तो इस तरह की चीज़ें हमने ऑलरेडी सोची है कि पार्टनर है वो आपका सोलमेट रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, अवेलेबल रहेगा। पर एम्पैथ इस मामले में बहुत सारा मिसफिट है, इस कैटेगरी में वो पूरी तरीके से नहीं आते हैं। और अगर कोई पर्सन पहले पढ़ ले एम्पैथ की डेफिनेशन, उसे पता है कि मेरा पार्टनर या होने वाला पार्टनर एम्पैथ है, तो शायद वो कभी उससे शादी करे ही ना। कि जो नॉर्मल मैरिज के रिक्वायरमेंट्स है, जो कंपेनियनशिप है या हमेशा अवेलेबल होना है, वो बहुत बार एम्पैथ्स है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। और ये उनकी नोइंगली अननोइंगली आप बोल सकते हो कि वो करना चाहते हैं, वो दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, वो फेक करना चाहते हैं, या वो सोशल सेटिंग्स के अंदर या सोशल फंक्शंस के अंदर आपके साथ जाना चाहते हैं पर उनका बिल्कुल मन नहीं है जाने का, उनको अच्छा नहीं लग रहा जाने के लिए, उन्हें लग रहा है कि घर बैठे रहो तो ही अच्छा है, अकेले रहो तो ही अच्छा है, पर वो ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनकी जो ये सारी ट्राई है वो मोस्टली अनसक्सेसफुल होती है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद एम्पैथ्स अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते, ऐसा भी हो सकता है, या मे बी एम्पैथ पर्सन के साथ अगर कोई खुद एम्पैथ है या एम्पैथ को समझता है वो उसके साथ सर्वाइव कर पाएगा, बाकी नॉर्मल पर्सन तो एम्पैथ के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इतना कहूँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं स्पेसिफिकली एम्पैथ्स को लेकर, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और मोस्टली लोग ही उन्हें कहेंगे कि आप सेंसिटिव पर्सन हो, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्गर एंड हाउ कैन यू बी अफेक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स। पर चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे दिखती है बाहर से। एम्पैथ को शायद ही किसी पर्सन ने, बाहर वाले पर्सन ने पूरी तरह से समझा है, एम्पैथ ही अपने आप को समझ पाता है। इवन एम्पैथ जब नहीं रहते हैं, जब तक वो है तब तक तो कोई उन्हें नहीं समझ पाता, उनके नहीं रहने के बाद भी कोई उन्हें नहीं समझ पाता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे ओवरकम करना थोड़ा सा ट्रिकी है। पर ये भी है कि एम्पैथ्स भी अवेयर नहीं होते खुद कि वो एम्पैथ है, बहुत लेट पता चलता है एम्पैथ्स को, पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं। मुझे एक क्लाइंट मिला था, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ जी ली है, अभी पता चल रहा है जो बुक पढ़ी जूडिथ ऑर्लव की कि हाँ मैं एम्पैथ हूँ, और पूरी ज़िंदगी वो गाना गा रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, ठीक है, तो उसे लग रहा था कि वही कुछ अजीब सा पर्सन है। तो पूरी लाइफ ऑलमोस्ट ऐसे निकल जाती है एम्पैथ्स की, जाने बिना कि वो कौन है, तो आप खुद सोचिए कि दूसरा पर्सन उन्हें कैसे समझेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड करते हैं, मज़े लेते हैं आसपास की सराउंडिंग्स का, मिलेंगे और एक वीडियो में लाइफ कोच के, जैसे ही टाइम मिलेगा आपसे कनेक्ट होऊंगा। धन्यवाद।